नमस्कार, वेरी वॉम वेलकम टू ऑल आर व्यूवर्स एंड लर्नर्स इन दिस लाइव फोन इन सेशन ऑफ सीआईटी एंड सीआरटी। आई एम रेणु भट्ट विद यू ऑल एंड यू आर विद अस ऑन ई विद्या चैनल नंबर 9। और अपने सभी देखने वालों को हम बता दें कि हम इस सेशन में बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, और हमारा आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स पे हम बात करेंगे और आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन देंगे नंबर सिस्टम्स के बारे में हमारे एक्सपर्ट जो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। आप हैं मिसेस बीना प्रकाश, यू आर सीनियर पीजीटी मैथमेटिक्स फ्रॉम कैंपियन स्कूल भोपाल। वेरी वॉर्म वेलकम मैम। थैंक यू रेणु जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लर्नर्स। और इससे पहले कि हम मैम ये सेशन शुरू करें, हम कुछ ज़रूरी बातें अपने सभी व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगे कि अगर उनके मन में कोई भी क्वेरी आए और कुछ जानना चाहते हैं तो ज़रूर आपसे बात करें। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें कॉल करेंगे हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800-440-559, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस पर जो है dth.class9@cit.nic.in। और इन माध्यमों का उपयोग करके आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे लाइव इंटरैक्टिव फोन इन प्रोग्राम में। और इससे पहले कि हम ये सेशन शुरू करें, बहुत ज़रूरी सूचना हम आप सभी के साथ साझा करना चाहेंगे रिगार्डिंग इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। वी आर इंडीड वेरी प्राउड दैट इंडिया अज्यूम्ड G20 प्रेसिडेंसी एंड विल कन्वीन द G20 लीडर्स समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन 2023। अ नेशन दैट डीपली कमिटेड टू डेमोक्रेसी एंड मल्टीलैटरलिज्म, इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी वुड बी अ वॉटरशेड मोमेंट इन हर हिस्ट्री एज इट सीक्स टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल बाय फाइंडिंग प्रैग्मेटिक ग्लोबल सॉल्यूशंस फॉर द वेलबींग ऑफ ऑल and in doing so manifest the true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, or you can say the whole world is one family. With that very important piece of information, let's quickly get back to the session in which we are going to discuss about number systems, that is part 1. Aur ma'am, hum aapke paas aayenge aur hum aapse zyada janna chahenge number systems ke bare mein. Ma'am, kya kuch aapke paas hai hamare bachcho ke liye? नंबर सिस्टम्स, नेम से पता चल रहा है ना, नाम चैप्टर का नाम से नंबर्स, इट इज रिलेटेड टू नंबर्स, राइट। अभी नंबर्स के बारे में क्या है, अब आप एक मिनट स्क्रीन में देखेंगे, आप मेरे हाथ में एक ग्लास है और इसमें क्या है, कुछ छोटी छोटी जो टॉफीज जो हम बचपन में खाते थे, अभी भी बच्चे खाते हैं, हमें भी पसंद है, मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ ये छोटे वाले ऑरेंज ग्रीन चॉकलेट्स, ये टॉफीज जो है। तो अगर अब मैं आपसे पूछूंगी आप इसमें कितने टॉफीज है, तो क्या करोगे, आप काउंट करोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉफीज है। तो मैंने आपसे कहा काउंट करने शुरू करो, तो आपने कैसे काउंट करना शुरू किया, 1 से शुरू किया ना, 2 ऐसे इस तरह से एक के बाद एक। सो सच नंबर्स दे आर नोन एज काउंटिंग नंबर्स, जो हमने लिखा है ना पहला नेचुरल नंबर्स, नेचुरली हम काउंट करते तो कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 ऐसे नंबर्स बोलते हैं जी, है ना। अब आपके पास इसमें कितने 8 टॉफीज थे। अब मान लो मेरे बच्चों, मेरे घर में बच्चे हैं, उन्होंने सारे 8 खा लिए, ये सारे 8 खा लिए टॉफीज, इस कंटेनर में कितने टॉफीज बचे हैं अभी, मैम 0, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बचा। तो 0 भी एक नंबर होता है ना, तो 0 से भी, 0 भी एक टाइप ऑफ नंबर है ना जी, तो उन वो नंबर को साथ लेके 1 2 3 के साथ 0 लेंगे तो तुम उसको बोलते हैं होल नंबर। ओके, अब नेक्स्ट चीज है कि आप इमेजिन करिए मॉल्स वगैरह गए होंगे ना बच्चे, आप लोग भी जा चुके होंगे, कोई भी मॉल कहीं भी देखा होगा, तो यूजुअली हम गाड़ी से नहीं जाते हैं, जब हम कुछ इससे अपने किसी और की गाड़ी से या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो हम एक ग्राउंड लेवल पे एंट्री करते हैं, फाइन जी, और उसके बाद हम ऊपर क्लाइंब करते जाते हैं, राइट मैम। और अदरवाइज अगर आप अपनी खुद की गाड़ी लेके जाते हैं तो आप पार्किंग में रखते हो गाड़ी को, पार्किंग कहाँ होता है, यूजुअली उस मॉल के ग्राउंड फ्लोर में रहता है, फाइन। तो किसी एक पार्किंग लॉट में आपने रख दिया और अपना शॉपिंग वॉपिंग जो भी किया, घूमने घूम घाम के वापस जब आ रहे होते तब आप सबसे ऊपर फूड कोर्ट होता है, सबसे ऊपर होता है फूड कोर्ट, तो आपको नीचे आना है, आपको मालूम है आपकी कहाँ पे गाड़ी रखी हुई है, तो आप लिफ्ट पे जब जाते हैं, मान लो आप लिफ्ट यूज कर रहे हैं, तो आपको लिफ्ट में कौन सा स्विच ऑन करना पड़ता है जहां आप लिफ्ट अपनी गाड़ी के पास पहुंच जाए, जहां आपने गाड़ी रखा है। मैम बेस, तो आप मान लो, अगर मान लो वो बिल्डिंग ऐसा है कि ग्राउंड लेवल, जैसे रोड लेवल, रोड लेवल से ऊपर 6 फ्लोर्स है उस मॉल में, और
नीचे की तरफ पार्किंग्स है, चार लेवल ऑफ पार्किंग है, तो आपको वहां पे स्विचेस के ऊपर क्या क्या लिखा रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और उसके बाद लिखा रहता है -1, -2, -3, -4 जीरो पीछे ग्राउंड है ना. तो आप सिक्स्थ फ्लोर में मान लो फुट कोर्ट पे है, तो आपको नीचे आना है ग्राउंड लेवल पे जहां आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा. तो आप कौन सा स्विच ऑफ करोगे, जीरो. तो जीरो मतलब आप उस ग्राउंड लेवल पे पहुंच गए. एक लेवल हमने डिसाइड किया कि इसी को हम ग्राउंड, इसी को हम बेस में मान के चलते हैं. हाँ, अगर आपके पास कोई गाड़ी है जो आपने पार्किंग में लगा, तो आप याद करके देखिए, आप नीचे आते हो -2, -3 ऐसे करते हैं, तो वो -2, -3 का मतलब क्या होता है, दैट इज ऑपोजिट डायरेक्शन. समझ में आपको, ऑपोजिट डायरेक्शन, जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो 1, 2, 3 है, जो नीचे की तरफ आ रहा है एक लेवल से, दैट इज ग्राउंड लेवल, ऊपर की तरफ क्लाइंब कर रहा है तो 1, 2, 3 ऊपर की तरफ जा रहे हैं. मान लो ग्राउंड लेवल से नीचे जा रहे हो, बेसमेंट की तरफ, अंदर की तरफ, नीचे की तरफ जा रहे हो, तो -1, -2, -3 सो दैट मीन्स हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी है, जीरो भी आ गया है, होल नंबर 0, 1, 2, 3 है, नेगेटिव नंबर्स भी है -1. सो सच नंबर्स आर नोन एज इंटीजर्स. ओके, ठीक है. अब इसके बाद क्या देखा है, अब मैंने यहां बनाया है एक फिगर, दिस इज नोन एज नंबर लाइन. ओके, और नंबर लाइन में आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं ब्लू कलर में, 0, 1, 2, 3 ये किसके अगेंस्ट है, ये हाइलाइटेड पॉइंट्स, ये 2 हाइलाइटेड है, ये 1 हाइलाइटेड है, ये 4 हाइलाइटेड है. तो अगर मैं पूछूंगी इस पोजिशन का नंबर क्या है, दैट इज अगर अज्यूम करो एक लिफ्ट है जो इस तरह से ऊपर जा रही है और ये नीचे डाउन, ये डाउन जा रही है और ये अप जा रहा है, ठीक है. तो अब मैं यहाँ पे पहुंचना चाह रही हूँ, तो हाउ विल आई मार्क, हाउ विल आई क्लिक इट, इट इज मार्क्ड एज +6 है ना, ऊपर की तरफ जा रहे हैं +6 और इस पॉइंट पर अगर मुझे देखना है तो वॉट इज दैट पॉइंट, इट इज -7 फाइन. तो दीज नंबर्स, ये जो बड़े बड़े हमने डिविजन बनाए हैं, दे आर मेजर डिविजन दैट वी हैव. अब उसके नाम हमने डाल दिए 1, 2, 3 वैसे ही नेगेटिव साइड में भी, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में भी -1, -2 सो व्हाट वी हैव मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइंस इज द बेस मेजर यूनिट्स, दैट इज 1, 2, 3 ऑन वन साइड ऑफ जीरो, -1, -2, -3 ऑन अदर साइड ऑफ जीरो. और ये एरो है, इट्स अ लाइन, दिस रिप्रेजेंट्स अ लाइन, दैट मीन्स ये यहाँ से जाते जाएगा 10 के आगे जाएगा और यहाँ -7 के भी आगे जाएगा, -8, -9 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाएगा. ये भी यहाँ से 10, 11, 12 ऐसे करके आप जितना नंबर चाहिए सारे नंबर्स इसमें मिलेंगे आपको. सो दिस इज नोन एज अ नंबर लाइन, ठीक है. इसको हमने ब्रॉडर डिवाइड किया है. अब इसमें एक और डिविजन आपको दिख रहा है, एक और दिख रहा है कि ईच यूनिट, ईच डिविजन, दैट इज ये 0 से 1 के बीच में हमने 2 और पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 और 2 के बीच में 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. तो 0 और 1 कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गए, अभी कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गए, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए कि नहीं. तो ईच डिविजन, ईच मेजर डिवीजन, 0 से 1 के बीच में हमने 3 पार्ट्स, 1 से 2 के बीच में 3 पार्ट्स, ऑफ दैट मीन्स हमने पूरे नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड कर दिया. गॉट इट. तो अगर हम अब हम कोई पॉइंट को रीड करेंगे तो कैसे रीड करोगे, जैसे अगर आपको पॉइंट डी रीड करना है तो कैसे रीड करोगे, तो वॉट वी रीड इज आप डी पॉइंट जो है वो मेजर पॉइंट्स पे नहीं है, मेजर डिविजन्स पे नहीं है. देखिए मेजर डिविजन्स है, ये है मेजर डिविजन्स, ये जो ऑरेंज पार्ट डाला वो मेजर डिविजन्स है, बाकी जो लाइट ब्लू कलर से आ रहा है वो सब डिविजन, दैट इज ईच यूनिट को हमने पहले छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो अगर हमें डी पॉइंट का पॉइंट डिफाइन करना है तो कैसे रीड करेंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड ऑफ जीरो आओ और उसको काउंट करो कितने इंटरवल्स पॉइंट्स है, 1, 2, 3 तो 3 पॉइंट्स मेक्स 1 यूनिट, फिर फर्दर 4, 5, 6 पॉइंट्स मेक अनदर यूनिट. सो दिस वे यहां तक कितने पॉइंट्स हो चुके होंगे, 18 पॉइंट्स हो चुके होंगे, दैट मीन्स डी पॉइंट है 19th and 20th. इजंट इट द 20th डिविजन दैट वी हैव ऑन द नेगेटिव साइड, यस राइट. एंड बट it is out of what, what we have done is we have divided each unit into 3 parts, so it is 20th part of the 3 parts that you have divided. Getting it, humne har unit ko humne 3 parts mein divide kar diya. So d represents the
the 20th part of the 3-3 parts that you have divided. So 20 upon 3 ho jaye. अगर आपने इस पॉइंट के बारे में बात किया है, ये पॉइंट मैं मान लेती हूँ, ये L है. L एक्चुअली होगा क्या? हाउ डू वी डिफाइन L? L stands for 1, 2, 3. थर्ड पार्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ जीरो, वो माइनस साइन इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ जीरो. थर्ड पार्ट आउट ऑफ द थ्री पार्ट्स. सो व्हाट इज दैट वी गेट फाइनली? माइनस वन, बिकॉज थ्री एंड थ्री गेट्स डिवाइडेड, सो यू गेट माइनस वन. सो ये पार्ट L जो है माइनस वन. लाइकवाइज ये जो पॉइंट M है, दिस इज M पॉइंट. M क्या होगा? What will M be? How many parts it is? On the negative side of 0, out of 3, which part are we seeing? Sixth part, isn't it? 1, 2, 3, 4, 5 and sixth part. So sixth out of the 3 makes it 2. So you have it as minus 2. So the decon point is nothing but 20 out of the 3 parts. The 20 out of 3 parts, agar dekha jaye, to 20 is divided by 3. Divided by 3. So when you divide it, you find that it is coming out to be 6.66 with something something. So it's minus of 6. Aap dekhiye dhyan se. Ye hai na 6 point ke aas paas, dekhiye. Minus 6 hai. And minus 7 ke beech mein hai D. And this is little more than half of it. So 6.5 se jyada ho gaya. Minus 666 aisa raha. So we find that we can define points between two major points. अब वो कैसे define कर सकते हैं? By dividing that major point into different parts. जैसे हमने इसको three parts में लिया, वैसे ही मैंने इस वाले situation में I've divided into six parts. देखिए, six parts दिख रहे हैं आपको? Six parts दिख रहे हैं आपको? जी. ये zero है, ये zero है midpoint, हमने बीच वाला starting point, basement point. और इसके राइट साइड में 1, 2, 3, 4, 5 and 6. सिक्स पार्ट्स में डिवाइड किया 0 से 1 को. लाइकवाइज 1 and 2 को भी हमने ईच मेजर डिवीजन को 6, 6, 6 पार्ट्स में डिवाइड किया. सो वैसा देखा जाए तो C कौन सा पॉइंट हुआ? C हैपेंस टू बी 1, 2, 3, 4, 5, फिफ्थ पार्ट आउट ऑफ द 6 पार्ट्स. एंड A क्या होगा? इट्स यहां से लेके 0 से लेके -1, -2, दैट इज यहां तक आ गया अपना 10, 11, 12, ये काउंट कर लीजिए आप. 1 ये हो गया 6, 12, 13, 14 एंड 15. सो इट्स द 15th पार्ट ऑफ द 6 पार्ट्स. 15 ऑफ द 6 पार्ट मींस यहां भी आप एक काम कर सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज -5 ऑन 3. सो अगर आप देखेंगे इट इज सेम एज दैट ऑफ माइनस फाइव, ऊपर वाला डिवीजन सेम आएगा. सो व्हाट वी हैव इज कि हमने मेजर डिवाइड कर लिया, अब एक और पॉइंट्स बीच में डालते जा रहे हैं. अब वो कैसे डाल रहे हैं? बाय डिवाइडिंग द मेजर इंटरवल इनटू डिफरेंट पार्ट्स. पहले हमने थ्री पार्ट्स में लिया, देन अब सिक्स पार्ट्स में लिया, ऐसे हम एनी नंबर ऑफ पार्ट्स. इसमें मैंने 7 पार्ट्स में लिया है. सो यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ पार्ट्स. सो व्हाट आर वी डिफाइनिंग? We are defining another set of numbers. आपके पास एक दूसरे सेट, अभी तक हमने natural numbers पढ़ा था, हमने 1, 2, 3 ऐसे numbers को natural numbers बोले, फिर 0 start करके numbers आए हमारे पास, then हमने negative numbers को भी involve किया, जो negative infinity से आता है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, और ये positive infinity की तरफ जा रहा है. हाँ, इसके अलावा भी कुछ नंबर्स होते हैं. वो किस तरह के नंबर्स हो रहे हैं? वो नंबर्स हैं इस तरह के फ्रैक्शन फॉर्म में. अब वो फ्रैक्शन फॉर्म में क्या होता है? जो भी फ्रैक्शन फॉर्म का नंबर कैसे आया अपने पास, 15 on 7, ये कैसे आया? हमने एक मेजर डिवीजन को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया. वैसे ही हम कोई भी मेजर डिवीजन को कितने भी पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं. एनी नंबर ऑफ पार्ट्स, यू कैन डिवाइड इट इन एनी नंबर ऑफ पार्ट्स. 3 out of 20, That is, एक मेजर डिवीजन को हमने 20-20 पार्ट्स में डिवाइड किया. तो आपको डिसाइड करना है कि कितने छोटे छोटे पार्ट्स हो सकते हैं, वो तो हो जाएगा. सो दैट मीन्स यू कैन डिवाइड इट इन एनी नंबर ऑफ पार्ट्स, है ना. सो ये एक नया सेट ऑफ नंबर्स दे रहा है हमें, एंड सच नंबर्स आर नोन एज रैशनल नंबर्स.
Now, rational numbers means any numbers which can be written in the form of P upon Q. और ये P and Q क्या है? What are these numbers? 17, 7, 3, 20, इनमें से कौन सा नंबर आता है बताइए? हमने नंबर्स माइनस 3 अपॉन 7 भी देखा, माइनस 3 अपॉन 7, माइनस 6 अपॉन 7. So what do you have? माइनस 6, 7, ये सब क्या होता है? What are these numbers? ये कहाँ आ रहे हैं आपके? ये सारे नंबर्स आ रहे हैं इंटीजर्स पे. So where P and Q are integers. That's a very important point. They should be integers. Integers means positive whole numbers, negative whole numbers. हाँ, अब इसमें एक condition यहाँ आपको दिख रहा है. Q is not equal to zero. इसका meaning क्या है? आप समझ जाओगे तो कभी ज़िंदगी में नहीं भूल जाओगे. हमने कोई number को divide किया है, divided by P upon Q means P को हमने divide किया है Q. That means एक interval को हमने Q Q parts में divide किया है. Getting it? अगर हम नंबर लाइन की बात करेंगे तो एक नंबर लाइन को हमने क्यू क्यू पार्ट्स में डिवाइड किया है. अगर मैंने इस एक नंबर लाइन बनाई है, ये एक नंबर लाइन है, तो इसको मैंने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो मेजर जो पार्ट है ये डिवीजन, ये एक डिवीजन जीरो और ये एक लेंथ यूज करके मैंने डिवाइड किया है. तो हमने इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया. अब इसको मैं और छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, हर कोई ऐसी सेम है. तो हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते जा रहे हैं और इसको भी छोटा कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा ये. तो क्या कर रहे हैं हम? मेजर पार्ट हम डिवाइड करते जा रहे हैं उस नंबर को. और 1, 2, 3 में क्या किया हमने? कुछ नहीं डिवाइड किया. डिवाइडेड बाय 1 मतलब हमने उसको डिवाइड नहीं किया है. 3 डिवाइडेड बाय 1 हमने उसको डिवाइड नहीं किया, एक ही पार्ट होल पार्ट में रखा है उसको. बट अब मैंने इनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. तो एक भी यूनिट अगर देखा जाए, ये अगर 10th पार्ट ऑफ द 18th पार्ट ऑफ द 12th पार्ट, दैट आई डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स. तो हमने 12 पार्ट्स में डिवाइड किया, 7 पार्ट्स में यहां डिवाइड किया. ऐसे देखा जाए तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में. तो इज इट पॉसिबल कि हम एक डिवीजन को कोई भी पार्ट में नहीं डिवाइड करें? क्यू नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब हमने किसी नंबर को, हम इस इंटरवल को, ये अगर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे इस इंटरवल को 2 और 3 के बीच में, हमने कुछ भी नहीं किया, डिवाइड नहीं किया, तो होल में है ये पूरा एज सच है. आप देख लीजिए, कोई भी एक चॉकलेट है आपके पास, एक केले का पीस, एक केला है आपके पास, आपने उसको एक पूरा केला लेंगे. अगर हम उसको दो पार्ट में करेंगे तो दो में हो गया ना एक केला, तो एक पार्ट उसमें से 1/2 होगा. और उसको 3 पार्ट्स में काटेंगे तो 3 पार्ट में काटा है तो 1/3 हो गया, एक पार्ट लेंगे. चार टुकड़ों में काटोगे और एक पार्ट आप खाओगे तो 1 out of the 4 पार्ट्स आपने खाया. तो आप खुद डिफाइन करिए डिवाइडेड बाय 0 का मीनिंग क्या हो सकता है. ऐसा कभी हो सकता है क्या? डिवाइडेड बाय कुछ भी नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. सो दैट्स द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, दैट इज क्यू कैन नॉट बी 0. दैट मीन्स डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए. डिवाइडेड बाय 0 डज नॉट मेक एनी सेंस. आई सपोज सबको समझ में आया ये बात, डिवाइडेड बाय 0 विल नॉट मेक एनी सेंस. ठीक है, राइट. सो एनी रैशनल नंबर्स दैट वी राइट शुड ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, प्रोवाइडेड द डिनोमिनेटर इज नॉट गोइंग टू बी 0. दैट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट क्यू नॉट इक्वल टू 0. एंड देयर इज वन मोर कंडीशन अलोंग विद इट, दैट इज पी एंड क्यू आर को प्राइम्स. P and Q are co-primes. Q बोल रही हूँ मैं, P and Q are co-primes because अभी मैंने एक example लिया था यहाँ पे, ये वाला example, 15 upon minus 15 upon 6, minus 15 upon 6. इसको हमने एक lowest term में लिखा है minus 5 upon 3. So 15 upon 6 बोलो या 5 upon 3, it's equivalent because this is in multiple. हमने उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया हमने, डिवाइड ये 3 पार्ट्स को हमने बढ़ा दिया 6 पार्ट्स में और उसका 15th पार्ट लिया. तो 3 पार्ट्स का 5th पार्ट और 6 का 15th पार्ट दोनों बराबर. गेटिंग इट? ईच, देखिए आपके पास दो एक केला है, उसको आपने दो पार्ट में काट दिया, फाइन. अब एक एक पार्ट आ गया आपके पास, तो आप एक पार्ट ले रहे तो 1 out of 2 हो गया. अब आपने क्या, आप एक पार्ट रख लिए और आपके सिस्टर ने एक पार्ट रखा, आपने फिर से, आपने और आपके सिस्टर ने दोनों ने फिर से हाफ हाफ काटा,
और आप ले वो पूरा ले, तो क्या हो गया, कितने पार्ट्स में कट गए हैं वो केला आपके पास, आपके पास वाला फोर पार्ट्स में कट गया, पर आपके पास शेयर कितना हुआ, टू आउट ऑफ फोर, जो पहला वाला हाफ है वो बराबर ही रहा है ना, कोई चेंज आया क्या? नहीं आता है. सो दैट इज व्हाट इट सेज कि हम उसको हमेशा फ्रैक्शन जब लिखते हैं, when we write it in the rational number form, we always make it sure that दोनों के बीच में जो भी कॉमन फैक्टर है वो कैंसिल करेंगे. सो सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा रैशनल. अगर इस पी एंड क्यू के दोनों के बीच में कोई भी फैक्टर अदर देन वन नहीं है, को प्राइम का मतलब दोनों के बीच में कोई भी एक फैक्टर नहीं है अदर देन वन. फाइन, सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स. अब ये जो रैशनल नंबर्स हमारे पास था, -15/7, -15/6, -20/3, ये सब को मैंने एक अदर फॉर्म में लिखा है क्योंकि हमने डिवाइड किया. एज आई सेड, डिवाइड रैशनल नंबर क्वेश्चन क्यू, इसलिए हम उसको क्वेश्चन क्यू में रिप्रेजेंट करते हैं क्वेश्चन वाला. Here, let me tell you that we have only 4 more minutes left for this session. Okay, so it is 20 out of 3. So 20 out of 3 means when you divide it, you get 6.666. And when 15 is divided by 6, you get it is 2.5. It's 2.5. Whereas 4 is divided by 6, you get it is 0.666. So, किस तरह के आपको numbers दिख रहे हैं आपको? ये fractions किस number, किस तरह के numbers represent कर रहे हैं? They are representing in terms of decimals. और decimal में, ये decimal में क्या दिख रहा है आपको? It is 1428571428572 dot dot dot, मतलब ये set of numbers repeat कर रहे हैं. कौन सा set of numbers repeat कर रहे हैं? 1481428572. ये set of numbers repeat कर रहे हैं, इसी dot डाल दें. That is, आप वापस इसी में आ जाएंगे, 8571 2, ऐसे जाते जाएगा. So what we find is there are certain numbers on expressing in the form of p upon q get converts into a terminating decimal or non-terminating but recurring decimals. So दो type of decimals है हमारे पास, एक तो terminating decimals है और दूसरा non-terminating decimals. So that means you can express any decimal numbers in the form of p upon q. है ना, उल्टा लिख सकते हैं ना, एनी डेसिमल, दैट इज यू हैव पी अपॉन क्यू इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, तो पी अपॉन क्यू फॉर्म में भी लिख सकते हैं अपन डेसिमल नंबर्स को. तो स्टार्ट विद, पहला डेसिमल नंबर जो है हमारे पास है वो क्या है, 0.25 है. 0.25 कैसे लिखेंगे हम? 25/100, एंड 25/100 में यू फाइंड दैट 25 इज अ कॉमन फैक्टर विच गेट्स कैंसिल एंड यू गेट 1/4. सो वॉट इज द रैशनल नंबर फॉर्म, दैट इज पी अपॉन क्यू फॉर्म, 1/4. सो ये डेसिमल नंबर को हमने 1/4 पी अपॉन क्यू में लिखा है. 2.35 डेसिमल नंबर सेम है, सो इट इज 235 डिवाइडेड बाय 100. 235 डिवाइडेड बाय 100 हैज अ फैक्टर विच इज कॉमन टू बोथ, सो दैट इज 5. 5 से मैंने कैंसिल किया, यू गेट 47/20. लाइक वाइज दिस नंबर, सो एवरी नंबर विच इज टर्मिनेटिंग, यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, इसके आगे जा नहीं रहे हैं, रुक जाएगा, इट्स अ 3 decimal प्लेस, इट्स अ 2 decimal प्लेस, सो वी कुड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ आउट ऑफ 100, 1000 एंड सो ऑन, एंड वी कुड एक्सप्रेस इट इन द लोवेस्ट फॉर्म एंड देन दैट इज कन्वर्टेड टू पी अपॉन क्यू. बट ये जो नंबर है 2.3 बार मीन्स, एज आई सेड, इट्स रिपीटेड नंबर, दैट इज हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे पी अपॉन क्यू फॉर्म में. So we write this as 2.3333 aisa likhenge. Now what we do is we'll try to bring the repeated decimal to the left hand side, repeated decimal, so that after the decimal you have the same set of numbers. Iske decimal ke baad kya numbers hai? 333. If you multiply this by 3, what do we get? 23.333. So dono ke set of numbers after decimal is exactly the same. Ye infinity tak jayega. This is infinity, this is infinity. तो इनफिनिटी से एक 3 लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, तो कोई डिफरेंस नहीं है, इट इज द सेम थिंग. नाउ व्हाट यू डू इज यू सबट्रैक्ट इट, सबट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, दैट इज 2 - 1. सो व्हेन यू सबट्रैक्ट, इट इज कमिंग आउट टू बी 10 - 1, दैट इज 9 पी अपॉन क्यू, एंड हियर 23 - 2 ही आएगा, डेसिमल पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, सो यू गेट 21. सो यू फाइंड दैट पी अपॉन क्यू इज नथिंग बट 7/3. सो दैट मीन्स आपके पास रिपीटिंग डेसिमल हो या नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो, in every form you can always write it in the form of p upon q. So this is the conclusion that we have, that is every decimal number can be written in the form of p upon q, or every p upon q number can be written as decimal number. Abhi decimal number kaise the? Decimal recurring ho raha tha, terminate ho raha tha, after that nahi hota, or non-terminating. But ab decimal ki baat jab kar rahe hain,
तो हमारे पास हर नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में 2.3567 है। मैम, वी आर रनिंग वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सम अप प्लीज। ओके ओके, सो व्हाट वी फाइंड इज इट इज दिस टर्मिनेटिंग आफ्टर फोर प्लेस ऑफ डेसिमल, बट व्हाट डू वी फाइंड इन दिस, दिस इज 1222, इट इज गोइंग ऑन, इट इज नॉट टर्मिनेटिंग। देयर आर फ्यू मोर सेट ऑफ नंबर्स व्हिच डू नॉट टर्मिनेट बट डू नॉट recur also. Okay. This pattern says that it is not going to. So we have to discuss this type of numbers. That type of numbers are known as irrational. Fine. So we'll start with this part from the next class. Sure. और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि हमारे जितने भी व्यूवर्स हमारे साथ रहे उन्हें बहुत अच्छे से नंबर सिस्टम समझ में आए, वेदर इट्स प्राइम नंबर, होल नंबर और रैशनल नंबर, इंटीजर्स वगैरह, जो भी मैम ने बताया बच्चों आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया। अभी फिलहाल हमारे पास समय बहुत कम है। बीना मैम, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि आप हमसे जुड़ें और आपने इतने अच्छे से हमारे सभी स्टूडेंट्स को जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और डियर लर्नर्स एंड व्यूवर्स, अब हमें इस सत्र को यहीं पर वाइंड अप करना होगा, लेकिन जाने से पहले हम आपको बता दें एक बहुत ज़रूरी सूचना। NCERT टेक्स्ट बुक्स फॉर 2023-24 आर अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्री। दीज टेक्स्ट बुक्स मे बी परचेज डायरेक्टली फ्रॉम NCERT सेल्स काउंटर लोकेटेड एट न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, बंगलुरु, कोलकाता एंड गुवाहाटी। दीज सेल्स काउंटर विल बी फंक्शनल ऑन ऑल दी weekdays including all registered holidays, Saturdays and Sundays as well from 9:30 a.m. to 6 o'clock p.m. You may also place order for the books online from our website, that is ncertbooks.ncert.gov.in, and these books will be delivered at your doorsteps at no fee. And dear learners, if you want the soft copy of all those books in PDF version, you can also be downloaded for free from NCERT, Diksha, e-Pathshala website and from mobile app as well. Please visit the website ncert.nic.in to know more about the authorized vendors. It's time for me to wrap up this session, but aap hamare sath yun hi bane rahiye. Agla satra jo hum lekar aayenge wo social science ke 9th standard ke students ke liye hai, aur hamara topic hai India size and location. Mujhe Renu Bhatt ko dijiye ijazat. Namaskar.